मैं डॉक्टर आरपी सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर राघव आयुर्वेदा शक्ति में स्वागत करता हूँ। हिमालय की गोद में प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए कई अनमोल उपहार मौजूद हैं। हिमालयी क्षेत्र में प्राकृतिक जड़ी बूटियों की भरमार है और शायद ही मनुष्य की ज़रूरत की ऐसी कोई जड़ी बूटी होगी जो हिमालय में मौजूद न हो। शतावरी भी हिमालय और हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाने वाली जड़ी बूटियों में से एक है। शतावरी आयुर्वेद में सबसे पुरानी जड़ी बूटियों में से एक है और भारतीय औषधियों पर लिखे गए अधिकतर प्राचीन ग्रंथों में भी शतावरी का उल्लेख मिलता है। चरक संहिता और अष्टांग हृदयम दोनों में ही शतावरी को स्त्रियों के लिए शक्तिवर्धक बताया गया है। शतावरी एक ऐसी जड़ी बूटी है जो स्त्री प्रजनन प्रणाली में सुधार लाने में मदद करती है। आयुर्वेद में शतावरी को 100 रोगों में प्रभावी बताया गया है। इसके अलावा तनाव रोधी और एंटीऑक्सीडेंट गुणों से युक्त होने के कारण शतावरी तनाव एवं बढ़ती उम्र से संबंधित समस्याओं के इलाज में बहुत असरकारी जड़ी बूटी मानी जाती है। इस जड़ी बूटी के महत्व का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आयुर्वेद में शतावरी को जड़ी बूटियों की रानी कहा जाता है। मूल रूप से शतावरी भारतीय उपमहाद्वीप के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है, लेकिन भारत के हिमालयी क्षेत्रों में भी शतावरी बहुतायत में पाई जाती है। शतावरी खाने का तरीका। शतावरी पकाने की विधि में सिकी हुई शतावरी के लिए आप सामग्री के रूप में 450 ग्राम धुली और कटी हुई शतावरी लें, एक चम्मच ओलिव ऑयल लें, नमक और काली मिर्च स्वादानुसार लें। बनाने की विधि में तवे को अच्छे से गर्म कर लें, शतावरी पर ओलिव ऑयल लगाएं और नमक और काली मिर्च छिड़क लें। पकने तक इसे तवे पर रहने दें। शतावरी और लहसुन की सब्जी के लिए आप 3 चम्मच नारियल तेल, 1 गुच्छा शतावरी, 5 कटे हुए लहसुन लें। मध्यम आंच पर नारियल तेल को गर्म कर लें। तेल में लहसुन और शतावरी डाल लें। इसे 10 मिनट तक पकाएं और बीच में हिलाते रहें जब तक पूरी तरह से ना पक जाए, तब तक इसे तवे पे से ना उतारें। शतावरी में ग्लूटाथियोल होता है जिससे शरीर की गंदगी बाहर निकलती है और कार्सिनोजेन खत्म होते हैं। अध्ययन से पता चलता है कि ग्लूटाथियोल हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ग्लूटाथियोन हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाता है। शतावरी खाने से हम हड्डियों के कैंसर, स्तन कैंसर, लंग कैंसर और कोलन कैंसर से बच सकते हैं। हर समय सूजन रहने से या लंबे समय से चले आ रहे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, जो कि हमारे शरीर में बन रहे फ्री रेडिकल्स और उसके दुष्प्रभाव को घटाने के लिए बन रहे एंटीऑक्सीडेंट्स का असंतुलन, कैंसर के कई प्रकार के लिए जोखिम कारक है। इन दोनों का उपचार सूजन घटाने वाली एंटीऑक्सीडेंट्स युक्त खाद्य पदार्थों के उपयोग के लिए किया जा सकता है। दुनिया में 1.3 अरब से ज़्यादा लोग हाई ब्लड प्रेशर की समस्या से परेशान हैं। हाई ब्लड प्रेशर हृदय रोग और स्ट्रोक्स का मुख्य जोखिम कारक है। अध्ययन के मुताबिक पोटेशियम ज़्यादा खाने से और भोजन में नमक की मात्रा कम करने से हाई ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। पोटेशियम 2 तरीकों से ब्लड प्रेशर कम करता है। रक्त वाहिकाओं को आराम देना और सामान्य से अधिक नमक पेशाब के माध्यम से शरीर से निकाल देना। शतावरी पोटेशियम का अच्छा स्रोत है। 1/2 कप शतावरी खाने से आपकी दैनिक पोटेशियम की ज़रूरत का 6% हिस्सा मिल सकता है। अध्ययन से पता चलता है कि शतावरी में ब्लड प्रेशर कम करने वाले गुण भी होते हैं। अध्ययनकर्ताओं का मानना है कि ऐसा इसलिए क्योंकि शतावरी में एक ऐसा पदार्थ होता है जिससे रक्त वाहिकाएँ फैलती हैं। शरीर में विटामिन के की मात्रा कम होने से हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और टूट भी सकती हैं। शतावरी विटामिन के से भरपूर होती है। 1 कप शतावरी से आपकी दिन की विटामिन के की 1/2 ज़रूरत पूरी हो जाती है। विटामिन के का भरपूर मात्रा में सेवन करने से हड्डियों में कैल्शियम का अवशोषण ढंग से हो पाता है। इससे पेशाब में निकलने वाले कैल्शियम की मात्रा भी कम होती है जिससे हड्डियां स्वस्थ बनती हैं और ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या नहीं होती। विटामिन के से हड्डियों में मिनरल की कमी नहीं होती और हड्डियाँ मजबूत रहती हैं। शतावरी में आयरन होने से हड्डियाँ और जोड़े मजबूत रहते हैं। शतावरी एक प्रीबायोटिक है जिससे कैल्शियम का अवशोषण बढ़ता है। शतावरी में ग्लूटाथियोल होता है जिससे शरीर की सारी गंदगी बाहर निकलती है और कार्सिनोजन का खात्मा होता है। इस पदार्थ से रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है। शतावरी में प्रीबायोटिक होते हैं जिससे रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है और सर्दी जुकाम की समस्या भी ठीक होती है। शतावरी में एंटीऑक्सीडेटिव भी होते हैं जिससे रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है। शतावरी में विटामिन बी होने के कारण इससे आपको ऊर्जा शक्ति मिलती है जिससे आपका ब्लड
शुगर स्तर भी संतुलित रहता है और ज़्यादा फाइबर होने के कारण खाना भी ढंग से पच पाता है। कुछ सूत्रों से पता चलता है कि शतावरी खाने से मांसपेशियां भी मजबूत होती हैं, परंतु इसका अभी तक कोई साबूत नहीं मिला है। शतावरी महिलाओं में मासिक धर्मचक्र के दौरान बढ़े वजन को कम करने में सहायता करती है। शतावरी में ऐसे बहुत सारे गुण हैं जिनसे वजन कम करने में सहायता मिल सकती है। इसमें बहुत कम कैलोरी होती है, एक कप शतावरी में सिर्फ 20 कैलोरीज होती हैं। इसका मतलब यह है कि आप बिना कैलोरीज की चिंता करें बहुत सारी शतावरी खा सकते हैं। इसमें 94% पानी होता है। अध्ययन से पता चला है कि कम कैलोरीज वाले और पानी से भरपूर खाद्य पदार्थ खाने से वजन कम होता है। शतावरी में फाइबर अधिक मात्रा में होता है, ज़्यादा फाइबर खाने से भी वजन कम होता है। शतावरी चमकती त्वचा प्रदान करने के साथ साथ झुर्रियों से भी आज़ादी दिलाती है। शतावरी माइग्रेन से होने वाले असहनीय सिरदर्द से भी मुक्ति दिलाने में सहायक है। शतावरी यौन विकारों का एक प्रबल उपाय है। यह महिलाओं के प्रजनन अंगों के लिए एक शक्तिशाली यौन और कायाकल्प टानिक है। यह प्रजनन अंगों के लगभग सभी विकारों के इलाज में मदद करती है। यह एस्ट्रोजन उत्पादन को उत्तेजित करती है और मासिक धर्मचक्र को भी नियमित करती है। पुरुषों में यह शुक्राणुओं की संख्या बढ़ाती है और शुक्राणुओं की गुणवत्ता और गतिशीलता में सुधार लाती है। यह यौन स्वास्थ्य समस्याओं में अपने प्रभाव के कारण बांझपन के उपचार में भी प्रभावी है। शतावरी में कमेच्छा बढ़ाने वाले गुण होते हैं। ये आपके हार्मोन्स को संतुलित करता है और पुरुष और महिलाओं के यौन विकार ठीक करता है। इनको लेने से चिंता जैसे रोग दूर होने के साथ साथ यह पुरुषों की शारीरिक और मानसिक विकार ठीक करता है। इसके उपयोग से कामेच्छा के साथ शुक्राणुओं की मात्रा और गतिशीलता भी बढ़ती है। शतावरी को गर्भवती महिलाओं के लिए एक श्रेष्ठ टानिक माना जाता है। यह गर्भ को पोषित कर गर्भवती महिला के अंगों को गर्भधारण के लिए तैयार करती है और गर्भपात से भी बचाती है। यह माँ के दूध के उत्पादन को नियमित करती है और उसकी गुणवत्ता को बढ़ाती है। गर्भवती महिलाओं को शतावरी खिलाना चाहिए क्योंकि इसमें अधिक मात्रा में फोलेट होता है। फोलेट से गर्भ में बच्चों में रीढ़ की हड्डी और दिमाग की समस्या नहीं होती, इसलिए जो महिलाएं गर्भवती होने वाली हैं उन्हें इसका विशेष रूप से सेवन करना चाहिए। फोलेट विटामिन B12 और विटामिन सी के साथ शरीर में प्रोटीन के टूटने, इस्तेमाल होने और बनने की क्रिया में सहायता करती हैं। फोलेट लाल रक्त कोशिकाएँ बनने में सहायक हैं और DNA का निर्माण करती हैं। शतावरी रक्त में शर्करा के स्तर को नियमित करती है और मधुमेह में राहत प्रदान करती है। शतावरी में सूजन घटाने वाले गुण होते हैं जो डायबिटीज के साथ साथ लंबे समय से आ रहे रोग को भी ठीक करता है। इसमें क्रोमियम मिनरल होता है जिसकी वजह से शरीर में ब्लड शुगर स्तर संतुलित हो जाता है। अध्ययन से पता चलता है कि शतावरी लेने से ब्लड शुगर का स्तर संतुलित रहता है, साथ ही शरीर में इंसुलिन बनने की मात्रा को बढ़ाता है और डायबिटीज के प्रभाव को रोकता है। शतावरी औषधि सेक्स जीवन का अनुभव उत्तमतर बना देती है। यह सेक्स की इच्छा को बढ़ाती है और सेक्स पावर को उच्चतम स्तर पर ले जाती है। शतावरी तनाव को दूर करती है और अनिद्रा से छुटकारा दिलाती है। प्रदर स्त्रियों में एक बहुत ही आम विकार है जिसमें उनकी योनि से सफ़ेद या बदबूदार पदार्थ निकलता है। शतावरी प्रदर का एक प्रबल उपचार है। शतावरी लेने से किडनी की पथरी मूत्र मार्ग में नहीं आती हैं जिससे मूत्र मार्ग संक्रमण नहीं होता। शतावरी लेने से बार बार ज़्यादा मात्रा में पेशाब आता है, इससे शरीर की गंदगी बाहर निकल जाती है। अध्ययन करने से पता चलता है कि शतावरी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन सी और विटामिन ई के कारण किडनी की पथरी मूत्र मार्ग में नहीं आती। शतावरी खाने से पेशाब में अजीब और सड़ी हुई बदबू आती है, पर यह बिल्कुल सामान्य बात है क्योंकि शतावरी खाने से इसमें मौजूद अमोनिया और सल्फर शरीर की गंदगी को बाहर निकालते हैं जिसकी वजह से बदबू आती है। शतावरी स्वाभाविक रूप से शीतल होती है, इस वजह से यह बुखार पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। शतावरी खांसी और गले में खराश से भी छुटकारा दिलाने में सहायक है। एक अध्ययन के अनुसार शतावरी की जड़ का रस खांसी की समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए एक प्राकृतिक उपाय के रूप में उपयोग किया जा सकता है। दुनिया के कल्याण के लिए भगवान ने स्त्री को बनाया, लेकिन उसके कल्याण के लिए ईश्वर ने शतावरी एस्पेराइगस को बनाया। शतावरी दो शब्दों से जुड़कर बना है, सत यानी सौ और वरी मतलब इलाज। शतावरी एक प्राचीन औषधि है जो स्त्रियों के स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। यह औषधि स्त्रियों के मासिक धर्मचक्र को नियमित करती है। संतुल ल्यूकोरिया
योनि से सफ़ेद पानी निकलना का उपचार करती है, उसके प्रजनन अंगों को स्वस्थ रखती है और यौन विकारों से राहत दिलाती है और गर्भावस्था के दौरान व बाद में फायदेमंद साबित होती है। महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होने के साथ साथ यह मधुमेह और माइग्रेन में भी बहुत प्रभावशाली जड़ी बूटी है। यह व्यक्ति को तनाव मुक्त कर देती है और गहरी नींद सोने में मदद करती है। यह बुखार और खांसी में भी बहुत उपयोगी है। चमकदार और स्वस्थ त्वचा पाने के लिए भी शतावरी बहुत फायदेमंद है, लेकिन इस जड़ी बूटी का उपयोग सावधानी से करें, क्योंकि अगर आप मूत्रवर्धक दवाओं का इस्तेमाल कर रहे हो तो यह औषधि उन दवाओं के असर को ख़त्म कर सकती है। यदि अधिक मात्रा में इस औषधि का सेवन किया गया तो हृदय व गुर्दा संबंधी विकारों का कारण बन सकती है। यही कारण है कि आपको इसे लेने से पहले चिकित्सक से परामर्श लेनी चाहिए। शतावरी से कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे गैस की। शतावरी में एक कार्बोहाइड्रेट होता है जिसे रेफिनोज कहते हैं। इसे पचाने के लिए पेट में इसका खमीर बनता है। इस क्रिया के दौरान गैस बनती है जो शरीर से बाहर निकलती है। गर्भावस्था और स्तनपान में शतावरी हार्मोनल स्तर को संतुलित करती है और इसे काफ़ी समय से जन नियंत्रण के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान सामान्य मात्रा में शतावरी खाना सुरक्षित माना जाता है, परंतु इसके प्रयोग से पहले आप चिकित्सक से परामर्श लें। जिन लोगों को प्याज या इसके प्रकार से एलर्जी है, उन्हें शतावरी से भी एलर्जी हो सकती है, तो इसका ध्यान रखें। शतावरी में प्यूरीन होता है। शरीर में प्यूरीन यूरिक एसिड बनाने के लिए टूटता है, जिससे शरीर में प्यूरीन की मात्रा बढ़ सकती है। जिन लोगों को यूरिक एसिड से जुड़ी समस्याएं हों, जैसे किडनी में पथरी या गाउट, उन्हें शतावरी नहीं खानी चाहिए। ऐसे लोगों को प्यूरीन युक्त खाना नहीं खाना चाहिए। धन्यवाद।